जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता वैभव लक्ष्मी जो कि धन वैभव को प्रदान करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, इससे माता वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। माता वैभव लक्ष्मी का इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए और ईशान दिशा में विशेष करके चौकी लगा कर रखे और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे माता वैभव लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके या माता वैभव लक्ष्मी का श्री यंत्र आदि रख करके माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना। जिस दिन माता का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, माता को लाल वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाए, अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करे, महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य ऋतु फल आदि माता वैभव लक्ष्मी को अर्पित करें। विशेषकर माता वैभव लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं तो माता इससे अति प्रसन्न होती हैं। माता वैभव लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है। उसके बाद नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, लौंगी फल यानी कि सुपारी और तांबूल यानी कि पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में मुख शुद्धि के लिए अर्पित करें। उसके बाद फिर वैभव लक्ष्मी व्रत का कथा श्रवण करे, उसके बाद माता की आरती करे। इस प्रकार से माता का पूजन करना चाहिए, इससे माता वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। तो आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की बिल्कुल भी परवाह ना थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार भी कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। जुआ रेस व्याभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में हो रहे थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की जगह रोडपति बन गया। रास्ते से भटकने पर उसकी हालत मानो भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत सी बह रही थी और उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर के अंदर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोचवश एक फटी हुई चादर पर माताजी को बिठाया और माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ना पाई। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं आज तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे स्वरों को सुनकर शीला का मानो हृदय पिघल सा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी।
तो माँ जी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसा होता है। धैर्य रखो, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब तुम कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माता लक्ष्मी की परम भक्त हो। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही अपना ममता बनाए रखती हैं। इसलिए हे बेटी, तुम धैर्य रखकर माता लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई और माँ जी ने कहा कि बेटी, माता लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं और इच्छा पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त कर पाता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित सी हो गई और माँ जी कहाँ चली गई, यह शीला विचार करने लगी। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि वह माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार आया। सवेरे उठकर वह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत को किया और आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में मानो फड़क सा आ गया। उस दिन उसने शीला को ना ही मारा और ना ही उसे सताया। शीला को बहुत आनंद सा महसूस हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माता धन लक्ष्मी, हे माता वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण की। हे माता, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा और सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे या इस व्रत का कथा श्रवण करे, हे माता वैभव लक्ष्मी सभी को सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अगम अपार है। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और फिर व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत ही अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के जितने भी गहने जो कि गिरवी रखे थे वह सब छुड़ा लिए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले की भांति जैसे सुख शांति सी छा गई। माता वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी पूरे विधि विधान के साथ माता वैभव लक्ष्मी का सभी मिलकर व्रत करने लगी। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं या कथा श्रवण करते हैं, इससे माता वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।